अगस्त का महीना आते ही ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे आपको बता दें, ये सच है, कुछ बड़ा ही हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमान अब भारत के हाथ में आ गई है। 1 अगस्त से भारत ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की कमान संभाली है, जो 1 महीने तक रहेगी। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सुरक्षा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने बदलती है और ये अंग्रेजी के अल्फाबेट ऑर्डर में होती है। इसी के तहत फ्रांस के बाद अब भारत की बारी आई है। अब इसे संयोग ही कहिए कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता तब मिली जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, और वहीं पीओके पर भी सुगबुगाहट तेज हुई है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल बी द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैज डिसाइडेड टू प्रिसाइड ओवर ए मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, 75 साल में पहली बार जब हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने यूएनएससी के किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने में दिलचस्पी दिखाई है। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सुरक्षा परिषद की किसी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सुरक्षा परिषद की मीटिंग में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि भले ही ये मीटिंग वर्चुअल होगी, लेकिन ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। संयुक्त राष्ट्र में ही भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने भारत के यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने पर कहा, यह बड़ा सम्मान है। अगस्त महीने में यूएनएससी की अध्यक्षता हमारे पास है और इसी महीने हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। भारत इस महीने कई अहम बैठकों को लेकर फैसला करेगा। अब ऐसे में पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिजी चौधरी ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद की 1 महीने की अध्यक्षता में निष्पक्ष होकर काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भारत नियमों के तहत अपनी भूमिका अदा करेगा। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारत के पास अध्यक्षता होने का मतलब है पाकिस्तान कश्मीर पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने में अब सक्षम नहीं होगा। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 बार चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत इसका अस्थायी देश है। अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को 2 साल का कार्यकाल मिला है, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान में चल रहे तनाव के बीच अगर कुछ भी अहम होता है तो सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता मायने रखेगी। पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान में बाधा के तौर पर देखता आया है, तो वहीं भारत का मानना है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में स्थिति बिगाड़ रहा है। बहरहाल भारत के पास अब कई बड़े मौके आएंगे और कई बड़े मुद्दे भी। Presenting VNews app, available on Google Play and App Store. Download it now.